हेलो ऑल हेयर आई कोमल शर्मा वेलकम्स यू ऑल इन आर गार्गी क्लासेस सो हेयर मैं जो डिस्कस करने जा रही हूँ वो है टेंसेज कल हमने डिस्कस किया था अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच जो कि ग्रामर का फर्स्ट पॉइंट था अब ये हम सेकेंड पॉइंट ऑफ ग्रामर जो कि टेंसेज हैं उसको एलाबरेट करने जा रही हूँ जैसा कि आई हैव ऑलरेडी मैंशनड इन माई डेज बिफोर वीडियो दैट जो लैंग्वेज फ़र्स्ट एंड लैंग्वेज सेकेंड है उसका जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ लेवल फ़र्स्ट एंड लेवल सेकेंड जो सिलेबस की बात कर रही मैं तो जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें विकैबलरी टेस्ट आउट करने के लिए आपके सिनोनिम एंटोनिम वर्ड फॉर्मेशन एंड वर्ड वर्ड सब्सिट्यूशन को चेक आउट करने के की चेक आउट करने के लिए आपको एक पैसेज दिया जाएगा उसी में से आपके क्वेश्चन एक्सट्रैक्टेड होंगे और उसी का दूसरे पॉइंट आपको ग्रामेटिकली आपका ग्रामर पोर्शन भी चेकआउट किया जाएगा जिसमें आपको फर्स्ट जो प्रोस्पेक्ट है दैट इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेकेंड पॉइंट ऑफ ग्रामेटिकल प्रोस्पेक्ट दैट इज टेंसिसज टेंसिस के बारे में आप सब लोगों ने सुना होगा टेंस होते क्या होते है टेंस होता है विच टेंस अबाउट द टाइमिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर सेंटेंस अगर हम कोई सेंटेंस बोल रहे हैं और उस सेंटेंस में अगर कोई भी पर्टिकुलर ऐसी चीज़ जो कि उसके टाइमिंग को डिफाइन कर रही है फॉर एग्जांपल जैसे मैं अभी मैं बोल रही हूँ मैं लेक्चर दे रही हूँ तो दे रही हूँ डैट इज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस राइट तो इसी तरीके से अगर कोई किसी भी सेंटेंस में एक पर्टिकुलर चीज़ हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब जो कि उस सेंटेंस के टाइमिंग को डिफाइन कर रही है कि वो एग्ज exactly एग्जैक्टली वो जो सेंटेंस में जो इंसिडेंट हो रहा है वो प्रेजेंट में हो रहा है पास्ट में हो चुका है या होने वाला है ऑल राइट सो द टेबल बिलो विच आई हैव बीन मैंशनड ओवर हेयर शोन ए चार्ट ऑफ टेंसेज इन इंग्लिश द स्ट्रक्चर एंड एग्जाम्पल ऑफ ईच टेंस इज़ ऑल्सो गिवन टू कंस्ट्रक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस तो मैंने यहाँ पर तीन पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है सबसे पहले हम टेंसेज के बारे में पढ़ेंगे जैसे कि आपको पता है कि टेंस टाइमिंग तीन तरीके से डिवाइडेड होता है प्रेजेंट जो कि अभी वर्तमान है अभी जो चल रहा है राइट पास्ट जो कि ऑलरेडी बीत चुका है फ्यूचर जो होने वाला है और राइट right, तो टेंस को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया राइट right? सो so, टेंस हैव थ्री थ्री पार्ट्स अब हमें ध्यान देना है कि इन टेंसेस के जो इनर आ, इनर फॉमूलाज हैं या फिर टेंसेस को भी डिवाइड किया गया है इनटू फोर सेक्शन ईच टेंस मतलब हर एक टेंस से टेंस के फोर सेक्शन होते हैं प्रेजेंट के फोर सेक्शंस होते हैं पास्ट के फोर सेक्शंस होते हैं फ्यूचर के फोर सेक्शंस होते हैं वो फोर सेक्शन कौन से होते हैं फर्स्ट इज़ सिंपल राइट सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट सिंपल फ्यूचर और राइट उसके बाद जो पोर्शन आता है दैट इज़ कंटीन्यूस पास्ट कंटीन्यूस प्रेजेंट कंटीन्यूस एंड फ्यूचर कंटीन्यूअस उसके बाद जो चीज़ आती है दैट इज़ परफेक्ट परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट उसके बाद होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस अब इन चारों जो स्ट्रक्चर्स हैं उनका बेसिक डेफिनेशन ही होता है कि टेंसेस को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ठीक है अब उन टेंसेस को भी आपको डिवाइड करना होगा कि कौन सी चीज़ जैसे अभी प्रेजेंट में आप प्रेजेंट अफर्मेटिव की बात करूँ तो प्रेजेंट अफर्मेटिव हम लोग यूज़ करते हैं जो चीज़ हमेशा एक जैसी होती रहती है जैसे हम लोग बोल बोल सकते हैं लाइक सन द अर्थ रिवॉल्व अराउंड सन तो ये यूजल चीज़ है राइट डेली हैबिट्स को शो करने के लिए या फिर जो चीज़ हमेशा रेगुलरली होती रहती है तो उसमें अपन सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करेंगे जैसे कोई भी चीज़ कंटिन्यू चल रही है या चल रही थी या चल रही होगी तो उसमें कंटिन्यूस का यूज़ कर लेंगे परफेक्ट जिसमें ऑलरेडी जो चीज़ हम लोग पूरी कंप्लीट कर चुके हैं अगर हम किसी चीज़ को कंप्लिश कर लेते हैं वहाँ पे हम लोग परफेक्ट का यूज़ करते हैं परफेक्ट कंटीन्यूस जहाँ पे जो चीज़ ऑलरेडी हो भी चुकी है ऑलमोस्ट और प्लस हम परस्यू भी कर रहे हैं फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी का एग्जांपल हूँ जैसे आई हैव बीन लेक्चरिंग आई हैव बीन लेक्चरिंग फ्राम लास्ट फाइव टू फोर मिनट्स इसका मतलब मैंने फ़ाइव टू फोर मिनट्स तो लेक्चर दे दिया अब मैं और भी कंटिन्यू कर रही हूँ ऑल राइट होप आपको समझ में आ चुका होगा टेंथ डिवाइडेड इंटू थ्री सेक्शंस दैट इज प्रजेंट पास्ट एंड फ्यूचर और इन्हीं के सब सेक्शंस होते हैं सिंपल कंटीन्यूस परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस ऑल राइट सो बारह तरीके से हमें टेंसेज को पढ़ना है ये तो हो गई टेंथ की बात अब प्लस मैंने इस चीज़ मैंने यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करी है दैट इज अगर कोई भी हम सेंटेंस बोलते हैं तो एक सेंटेंस को बेसिक बोलने के तरीके तीन होते हैं एक तो होता है अफर्मेटिव पॉजिटिव वे जहाँ पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं कोई नेगेटिविटी कुछ नहीं होता दूसरा होता है हमारा नेगेटिव जहाँ पे हम किसी चीज़ के लिए मना करते हैं नॉट जहाँ पे आता है एंड थर्ड वन इज इन क्वेश्चन फॉर्म तो सेंटेंस भी हम तीन तरीके से बनाते हैं अफर्मेटिव नेगेटिव एंड क्वेश्चन ऑल राइट हो आपको समझ में आ चुका होगा टेंस डिवाइडेड थ्री थ्री सेक्शन सॉरी थ्री सेक्शन प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर और इन्हीं तीन सेक्शंस को सब डिवीजन जब हम करते हैं तो हर एक टेंस के बारह बारह सेक्शंस होते हैं और इन्हीं सेक्शंस को इन्हीं सब सेक्शंस को हम किस तरीके से जो तीन सेंटेंसेस होते हैं हमारे डेली यूज़ में अफर्मेटिव नेगेटिव एंड क्वेश्चन उसमें किस तरीके से हम इनको अप्लाई करते हैं ये सारा स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट किया है और उसको बेस्ट तरीके से आपको एलाबोरेट करने की कोशिश करूँगी अगर फिर भी कोई कमी रह जाए तो यू कुड कमेंट में भी लो ओके सो हेयर आई एम गोइंग विद द टेंस फर्स्ट सो सबसे पहले हमारा जो आता है दैट इज सिंपल पास्ट अफर्मेटिव सिंपल पास्ट अफॉर्मेटिव अब इसको बनाने का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब्स सेकेंड फॉर्म इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती हैं इसमें सिर्फ मेन वर्ब यूज होगी और मेन वर्ब का भी सेकेंड पोर्शन सेकेंड कोर्स मेन वर्ब के थ्री पार्ट्स होते हैं द फर्स्ट एंड सेकेंड एंड द थर्ड ऑलराइट तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट के साथ यूज़ होगा सिंपल पास्ट अफॉर्मेटिव में वो होगा सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया है ही रेड अ बुक यस्टरडे ही रेड अ बुक यस्टरडे तो यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ जो मेन वर्ब आ रही है दैट इज रीड का सेकेंड फॉर्म रेड ऑल राइट तो उसने कल किताब पढ़ी थी इसका मतलब ये है तो ही रेड अ बुक यस्टरडे ऑल राइट हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे आएगा सिंपल पास्ट नेगेटिव अब इसी सेंटेंस को अगर हम नेगेटिव वे में बोलेंगे इन सिंपल पास्ट हमारा सेक्शन सेक्शन section वही चल रहा है पास्ट जो टेंस है उसी का सब सेक्शन चल रहा है दैट इज सिंपल पास्ट और सिंपल पास्ट का अफॉर्मेटिव सेंटेंस मैंने बता दिया अपन किस तरीके से बनाया नेगेटिव सेंटेंस सिंपल पास्ट में किस तरीके से बनाएंगे वो होता है सब्जेक्ट प्लस डिड हेल्पिंग वर्ब होती है नॉट ऑफकोर्स अगर नेगेटिव सेंटेंस यहाँ पे है तो नॉट आएगा ही आएगा और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो यहाँ पर इसी सेंटेंस को ही रेड अ बुक या स्टडी इसी सेंटेंस को सिंपल पास नेगेटिव में किस तरीके से हम ट्रांसफॉर्म करेंगे ही सब्जेक्ट हो गया डिड हेल्पिंग वर्ब हो गया नॉट क्योंकि नेगेटिव है इसलिए ही डिड नॉट रीड अ बुक यास्टडे मतलब उसने कल वो बुक नहीं पढ़ी थी ही डिड नॉट रीड अ बुक यास्टडे तो ये क्या हो गया सिंपल पास्ट नेगेटिव ऑल राइट अभी हम उसी सेंटेंस को क्वेश्चन मार्क जब हम किसी से इंटारोगेट करते किसी से क्वेश्चन करते तो उसी सेंटेंस को हम किस तरीके से फॉर्म आउट करेंगे तो सिंपल पास्ट क्वेश्चन हम किस तरीके से करेंगे सबसे पहले हम यूज़ करेंगे हेल्पिंग वब भी हम क्वेश्चन दो तरीके से किए जाते हैं एक तो डब्लू एच फॉर्म में क्वेश्चन होते हैं और एक हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन शुरू होते हैं डब्ल्यू एच वर्ड से अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे कुछ कर रहा है इंटारोगेट कर रहा है दैट मीन्स यू हैव टू आंसर हिम और हर इन अ वेरी डिटेल्ड वे आपको उसको लैबोरेट करना होता है और राइट जैसे वाई डिड ही वाई डिडेंट ही रीड बुक यस्टरडे उसने कल वो बुक क्यों नहीं पढ़ी थी तो यहाँ पर आपको लैबोरेट करना पड़ेगा और वही क्वेश्चन अगर आप सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं दैट ही डिड ही रीड अ बुक यास्टडे क्या उसने कल बुक पढ़ी थी तो आपको सिंपल हाँ या ना में जवाब देना है यस सुनो और राइट हाउप आपको समझ में आ चुका होगा तो सिंपल पास्ट को हम क्वेश्चन फॉर्म में किस तरीके से फॉर्म आउट करेंगे सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे उसके बाद जस्ट सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे उसके बाद यूज़ करेंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो यहाँ पे देखते हैं डिड ही रीड अ बुक यस्टरडे और राइट डिड ही रीड डिड हेल्पिंग वर्ब हो गई ही हो गया सब्जेक्ट एंड रीड मेन वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म तो इस तरीके से सिंपल पास्ट को इन तीनों सेंटेंसेज में अपन ने अच्छे से देख लिया है कि, कि किस तरीके से एक ही सेंटेंस को एक सेंटेंस को तीनों स्ट्रक्चर्स में अफर्मेटिव नेगेटिव और क्वेश्चन में किस तरीके से हमें इस फॉर्मूला में डाल के यहाँ पे प्रेजेंट किया है अब आगे चलते हैं अब हमारा जो पोर्शन आ गया वो हो गया सिंपल सिंपल पास्ट हमने पढ़ लिया है एक सबसेक्शन ओवर हो चुका दूसरा है दूसरा सबसेक्शन है सिंपल प्रेजेंट अफर्मेटिव सिंपल प्रेजेंट को अफर्मेटिव सेंटेंस अगर हम बनाते हैं तो किस तरीके से बनाएंगे तो वो है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस आपको अच्छे से पता है कि सिंपल प्रेजेंट का अफर्मेटिव फॉर्मूला हम अगर यहाँ पे लिखते हैं तो अगर कोई भी सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके आगे एस और री एस का यूज़ नहीं होगा मेन वर्ब के साथ अगर वो ही सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसमें मेन वर्ब में एस और री एस का हमें यूज़ करना है तो अब यहाँ पे जो सेंटेंस फॉर्म आउट होगा सिंपल प्रेजेंट अफर्मेटिव का वो इस तरीके से होगा ही रीड्स अ बुक डेली वो हमेशा एक बुक पढ़ता है अगर यहाँ पे ही की जगह दे आ जाता फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे दे आ जाता तो हम किस तरीके से इसको करते हैं दे रीड अ बुक डेली वो आपको समझ में आ गया होगा अब हम आगे मूव करते हैं अगर इसी सेंटेंस को हमें सिंपल प्रेजेंट नेगेटिव में करना है तो हम किस तरीके से करेंगे सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म तो यहाँ पे क्या हो गया ये सेंटेंस ही डज नॉट रीड अ बुक डेली और इसी में अगर ही की जगह प्लूरल कोई अगर शब्द आ जाता है प्लूरल सब्जेक्ट आता जैसे दे तो दे डू नॉट रीड अ बुक डेली तो ड हमें यूज करना है सिंगुलर फॉर्म के साथ और और डू हमें यूज करना है प्लूरल फॉर्म के साथ इसी सेंटेंस को अगर हम क्वेश्चन मार्क में अगर इसको डिफाइन करें तो सिंपल प्रेजेंट को क्वेश्चन वाला सेंटेंस हम किस तरीके से बनाएंगे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डू और डज सब्जेक्ट मेन वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म तो इसको किस तरीके से कर देंगे डज ही रू रीड अ बुक डेली और यहीं पे अगर डू आ जाता तो डू दे रीड अ बुक डेली ठीक है तो ये हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट का अफर्मेटिव नेगेटिव और इंटारोगेटिव क्वेश्चन हम किस तरीके से फॉर्म आउट करेंगे सेंटेंस किस तरीके से फॉर्म आउट करेंगे इन सिंपल प्रेजेंट में ठीक है अब हम आगे चलते हैं सिंपल फ्यूचर की तरफ सिंपल पास्ट सिंपल प्रेजेंट दोनों हो चुके हैं आप सिंपल फ्यूचर की तरफ चलेंगे सिंपल फ्यूचर अफर्मेटिव अगर कोई हमें सेंटेंस बनाना है तो किस तरीके से बनाएंगे विल शैल प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म इसमें सिंपल सा फॉर्मूला आपको विल और शैल का यूज़ करना है विद वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म ठीक है तो ही विल रीड अ बुक टुमारो वो कल एक बुक पढ़ेगा ही विल रीड अ बुक टमोरो तो सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस विल और शैल का यूज़ करेंगे प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सिंपल फ्यूचर यही अगर सेंटेंस हमें नेगेटिव बनाना है तो विल और शैल के साथ आपको नॉट को पुट कर देना है जैसे ही विल नॉट रीड अ बुक टमोारो वो ये बुक कल नहीं पढ़ेगा इसी को सिंपल फ्यूचर को ही अगर इंटारोगेटिव में सेंटेंस uh, में हमें पुट करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा हेल्पिंग वर्ब डालनी होगी ऑफ कोर्स उसके बाद सब्जेक्ट और मेन वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म ओनली तो विल ही रीड अ बुक टमोरो क्या ये बुक कल वो पढ़ेगा ठीक है तो ये हो गया हमारा सिंपल फ्यूचर एंड टारगेटिव सेंटेंस इस तरीके से आपका सिंपल जो प्रेजेंट सिंपल फ्यूचर और सिंपल पास्ट ये तीनों तरीके के सबसेक्शंस हमारे पूरे हो चुके हैं इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं मैं आपको और क्लियर आउट कर दूंगी अब हम जो चलते हैं वो चलते हैं टूवर्ड्स दी कंटिन्यूस सबसेक्शंस ऑफ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर ठीक है तो सबसे पहला आता है हमारा पास्ट प्रोग्रेसिव अफर्मेटिव पास्ट कंटीन्यूस अफर्मेटिव सेंटेंस किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस को पास्ट कंटीन्यूस में फॉर्म आउट करना है तो किस तरीके से करेंगे हम शी सॉरी सब्जेक्ट सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद यूज़ होगा हेल्पिंग वेब आप सभी को पता है कि पास्ट टेंस में अगर वो प्रोग्रेसिव है तो उसमें वर्ड्स और वर्क का यूज़ किया जाता है वर्स यूज़ होता है विद सिंगुलर सब्जेक्ट और वर यूज होता है विद लूरल सब्जेक्ट ठीक है तो सब्जेक्ट प्लस वॉज़ और वर क्योंकि ये कंटिन्यूस प्रो, है प्रोग्रेसिव है तो आईएनजी का यूज़ करेंगे हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ तो ही वॉज़ रीडिंग अ बुक यास्टरडे अब अगर ही की जगह यहाँ दे आ जाता तो दे वर रीडिंग अ बुक यास्टरडे तो इस तरीके से पास्ट प्रोग्रेसिव का अफर्मेटिव सेंटेंस यहाँ पे बन चुका है अब हम चलेंगे पास्ट प्रोग्रेसिव नेगेटिव की तरफ पास्ट कंटिन्यूस नेगेटिव इसी सेंटेंस को अगर हमें नेगेटिव में फॉर्म आउट करना है नेगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में फॉर्म आउट करना है तो व्हाट विल वी विल हैव टू डू वी जस्ट पुट द सब्जेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है दैन वी हैव टू पुट हेल्पिंग वर्ब वाज अगर वही प्लूरल है सब्जेक्ट तो वहाँ पर वर्ब को पुट करना है उसके बाद में क्योंकि ये नेगेटिव है तो नॉट का यूज़ करेंगे और मेन वर्ब्स फर्स फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको आईएनजी का यूज़ करना है तो ही वॉज़ नॉट रीडिंग अ बुक यस्टे या फिर दे वर नॉट रीडिंग अ बुक यस्टे और राइट उसके बाद में हम चलते हैं इंटारोगेटिव सेंटेंस की तरफ इंटारोगेटिव इन पास प्रोग्रेसिव राइट तो सबसे इंटारोगेटिव में आपको पता है कि सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है दैट वुड बी वॉज और वर्ड उसके बाद में सब्जेक्ट का कर यूज़ करेंगे उसके बाद में मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ अपन को आई एन जी पुट करना है तो वॉज़ ही रीडिंग अ बुक यस्टरडे या फिर वर्ड दे रीडिंग अ बुक यास्टडे ठीक है होप आपको समझ में आ गया हो गया कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस को अगर हमें अलग अलग सेंटेंसेस में डिवाइड करना है लिखना है उसको तो उसका आउट करने का तरीका क्या होगा स्ट्रक्चर क्या होगा उसकी एग्जाम एग्जाम्पलम्स क्या होगी ऑल राइट अब आगे चलते हैं हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव प्रेजेंट कंटीन्यूस टेंस की तरफ अब प्रेजेंट कंटीन्यूस टेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या करना होगा सबसे पहले आता है सब्जेक्ट एज़ यूजल अफर्मेटिव सेंटेंस बना अगर हम कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट का यूज़ करना है अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों में सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा उसके बाद इज़ एम आर इज़ यूज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एम सिर्फ यूज़ होता है आई के साथ और राइट एंड आर जो यूज़ होता है वो प्लूरल कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ उसके बाद मेन वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म एंड देन आई एन जी तो ही इज़ रीडिंग अ बुक या फिर आई एम रीडिंग अ बुक या फिर दे आर रीडिंग अ बुक अब इसी सेंटेंस को अगर हमें प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में कन्वर्ट करना है इन नेगेटिव तो किस तरीके से करेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ड प्लस नॉट एंड देन मेन वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको आई एन जी तो ही इज नॉट रीडिंग अ बुक या फिर दे आर नॉट रीडिंग अ बुक ऑल राइट इस तरीके से हम इसको कर देंगे ठीक है उसके बाद या फिर आई एम नॉट रीडिंग अ बुक इस तरीके से हमें इसको फॉर्म आउट करना है नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है या फिर स्ट्रक्चर ऑफ टेंस है दैट इज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव क्वेश्चन अगर हमें कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस पुट करना है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में तो उसको किस तरीके से करेंगे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी मैंने पहले ही मैंशन कर दिया है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा फिर मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको आई एन जी पुट करना है जैसे इज ही रीडिंग अ बुक या फिर आर दे रीडिंग अ बुक या फिर एम आई रीडिंग अ बुक सो इस तरीके से आपको इन सेंटेंस को इन टेंसिस को किस सेंटेंस में किस तरीके से आपको फॉर्म आउट करना है अगर अफर्मेटिव है तो क्या यूज़ करना है नेगेटिव है तो क्या यूज़ करोगे इंटरगेटिव है तो क्या यूज़ करोगे ठीक है यहाँ तक आपका क्लियर है होपफुली अब हम मूव करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस की तरफ फ्यूचर प्रोग्रेसिव अब फ्यूचर प्रोग्रेसिव को अफर्मेटिव सेंटेंस में किस तरीके से हम मूव करते हैं तो सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले देन विल शैल देन बी एंड देन फर्स्ट फॉर्म्स आई एन जी तो यहाँ पे हम लोग करेंगे ही विल बी रीडिंग अ बुक टमोरो या फिर दे विल बी रीडिंग अ बुक टूमोरो वो कल ये बुक पढ़ रहे होंगे इस तरीके से ठीक है तो इस तरीके से सब्जेक्ट प्लस विल और शाल में से कोई भी यूज़ कर सकते हो उसके साथ बी आपको यहाँ पे पुट करना है एंड देन मेन वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको आई एन जी पुट करनी है फ्यूचर प्रोग्रेसिव का नेगेटिव सेंटेंस हम किस तरीके से बनाते हैं सबसे पहले हमें यूज़ करना है सब्जेक्ट उसके बाद में हमें यूज़ करनी है हेल्पिंग वर्ब विल और शाल में से कुछ भी यूज़ करें उसके बाद आपको नॉट डालना है क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है उसके बाद में बी आएगा क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूस सेंटेंस है और प्लस वर्ब्स वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको आई एन जी डालना है तो ही विल नॉट बी रीडिंग अ बुक टुमारो ठीक है उसके बाद में हम जो फॉर्म आउट करेंगे सेंटेंस वो इंटारोगेटिव सेंटेंस फॉर्म करना है हमें फ्यूचर प्रोग्रेसिव में तो सबसे पहले क्योंकि इंटारोगेटिव है तो सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब डालनी है हेल्पिंग वर्ब के बाद को आपको सब्जेक्ट पुट करना है बी डालना है क्योंकि फ्यूचर प्रोग्रेसिव है प्लस मेन वर्ड फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको आई डालना है तो ये सेंटेंस किस तरीके से बन जाएगा विल ही बी रीडिंग अ बुक टमोरो ठीक है तो इस तरीके से हमारा सिंपल सबसेक्शन प्लस कंटिन्यूस सबसेक्शन कंप्लीट होता है अब हम आगे की तरफ मूव करते हैं विद द परफेक्ट सब सेक्शंस ऑफ दी टेंसेस तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट में अगर आपको कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है तो आप किस तरीके से बनाएंगे और उसका यूज़ क्या होगा मैं यहाँ पर डिफाइन कर रही हूँ सबसे पहले आपको सब्जेक्ट डालना है सब्जेक्ट के बाद में जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज़ होगी वो हैड यूज़ होगी उसके बाद में आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म डालनी है किसी भी परफेक्ट अगर कोई भी किसी भी टेंस का परफेक्ट अगर आप वो बना रहे हैं स्ट्रक्चर में किसी को डाल रहे हैं और कोई भी सेंटेंस पुट आउट कर रहे हैं तो उसमें आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ करनी है तो यहाँ पे ये यह सेंटेंस किस तरीके से बन जाएगा ही हैड रेड अ बुक ठीक है वो ये किताब पढ़ चुका था ठीक है उसके बाद में इसी को नेगेटिव में अगर आपको फॉर्म आउट करना है तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब्स थर्ड फॉर्म तो ही हैड नॉट रीड अ बुक ठीक है अगर इसी को आपको क्वेश्चन वाले इंटारगेटिव सेंटेंस में आपको पुट करना है तो सबसे पहले हैड यूज करना है आपको हेल्पिंग आप वर्ब यूज़ करनी है सब्जेक्ट यूज़ करना है उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको यहाँ पर पुट कर देनी है तो सेंटेंस क्या बन जाएगा हैड ही रेड अ बुक ऑल राइट तो यहाँ पर हो गया अपना पास्ट परफेक्ट को तीनों सेन्टेंसेस में किस तरी टें किस तरीके से अपन करेंगे और उसके सेन्टेंसेस किस तरीके से बनेंगे ऑल राइट right, नाउ वी आर मूविंग ए हैड टूवर्ड्स द प्रजेंट परफेक्ट अफॉर्मेटिव प्रजेंट परफेक्ट अफर्मेटिव में अगर कोई भी सेंटेंस बनाना है आपको तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट का यूज़ करना है उसके बाद में हैज़ हैव का यूज़ करना है उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज़ और हैव में कंडीशंस ये हैं इफ़ द सब्जेक्ट विल बी सिंगुलर सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हैज़ यूज़ करना है और वहीं पर अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो आपको हैव यूज़ करना है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म उसी की तरह यूज़ करें जिस तरीके से अपने पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज़ करी थी तो यहाँ पे सेंटेंस क्या बन जाएगा ही हैज़ रेड अ बुक ठीक है इसी को अगर हम नेगेटिव सेंटेंस में फॉर्म आउट कर देंगे तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट हमें डाल के इसी तरीके से क्वेश्चन सेंटेंस बनाना है सॉरी ही हैज़ नॉट रेड अ बुक प्रेजेंट परफेक्ट को इंटारगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें वही फार्मूला अपनाना है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट और मेन वर्ब्स थर्ड फॉर्म तो हैज़ ही रीड अ रेड अ बुक तो इस तरीके से हमारा प्रेजेंट परफेक्ट भी यहाँ पे फिनिश होता है अब हम फ्यूचर परफेक्ट की तरफ मूव कर रहे हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस किस तरीके से हमें किसी भी सेंटेंस में डालने के लिए क्या फार्मूलाज अप्लाई करने पड़ेंगे तो फ्यूचर परफेक्ट अफर्मेटिव तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा सबसे पहले हमें सब्जेक्ट का यूज़ करना है सब्जेक्ट के बाद में विल और शैल आएगा क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है तो फिर हमें यूज़ करना है हैव का विल हैव शैल हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट टेंस में चाहे कोई भी हो पास्ट हो प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो आपको परफेक्ट टेंस में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म डालनी है हमेशा याद रखना है तो इसका सेंटेंस क्या बन जाएगा ही विल हैव रेड ए बुक फ्यूचर परफेक्ट को अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना है हमें तो हम किस तरीके से बनाएंगे सब्जेक्ट विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब्स की मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको डालनी है तो सेंटेंस क्या बन जाएगा ही विल नॉट हैव रेड ए बुक और राइट अब हम फ्यूचर परफेक्ट इंटारोगेटिव सेंटेंस की तरफ मूव करेंगे तो क्या होएगा इसका स्ट्रक्चर बनाने का विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो यहाँ पे क्या हो जाएगा विल ही हैव रेड ए बुक ऑल राइट दैन तो यहाँ पे हमने परफेक्ट uh, टेंस को अच्छे से पढ़ लिया है परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट तीन तरीके सबसे हमारे पूरे ख़त्म हो चुके हैं तीनों हमने पढ़ लिए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे कौन कौन से प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट कंटीन्यूस प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट कंटीन्यूस फ्यूचर सिंपल फ्यूचर कंटीन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट अब हम यूज़ करेंगे परफेक्ट प्रोग्रेसिव को किस तरीके से हमें आउट करना है हर एक टेंस में तो अब हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव अफर्मेटिव ठीक है तो पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव अफर्मेटिव तो इसमें किस तरीके से करेंगे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म एंड आई एन जी अब इसमें क्योंकि परफेक्ट भी आ रहा है और कंटिन्यूस भी आ रहा है तो दोनों चीज़ों को हमें कंबाइन करनी है यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूअस हम उस सिचुएशन में यूज़ करते हैं जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि कोई भी चीज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है प्लस कंटिन्यू चल भी रही थी चाहे वो फ्यूचर पास्ट में हो फ्यूचर में हो चाहे प्रेजेंट में हो तो जैसे ये सेंटेंस है ही हैड बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग मतलब वो सुबह से ही कल बुक पढ़े जा रहा था ठीक है तो ये हो गया ही हैड बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग अब यहाँ पे दो तरीके से होता है एक तो होता है सेंस और एक होता है फॉम फ्रॉम सॉरी एक तो हो गया सेंस और राइट एक हो गया आपका फ्रॉम सेंस हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास टाइम बिल्कुल डिफाइंड होता है सेंस टू ईर सेंस वन ईयर सेंस टू मंथ मॉर्निंग सेंस इवनिंग और फ्रॉम यूज़ करता है जब हमारे पास टाइम तो फिक्स नहीं होता है अप्रोक्सीमेट आइडिया लगाते हैं और राइट ही हैड बीन रीडिंग बुक्स मॉर्निंग क्योंकि उसे पता ही कि सुबह से पढ़ रहा है तो सुबह से ही होगा ठीक है अब पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव को नेगेटिव फॉर्म में किस तरीके से डालेंगे हम सब्जेक्ट हो गया प्लस हैड हो गया क्योंकि परफेक्ट है नॉट आ जाएगा क्योंकि नेगेटिव है बीन क्योंकि ये प्रोग्रेसिव कंटिन्यूस है तो बीन प्लस वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी तो ही हैड नॉट बीन रीडिंग अ बुक सेंस मॉर्निंग वो कल सुबह से ही नहीं पढ़ रहा था ठीक है इसी को पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव क्वेश्चन इंटारोगेटिव सेंटेंस में डालेंगे तो किस तरीके से डालेंगे तो यहाँ पे देखिए आप स्ट्रक्चर देखिए हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा बीन प्लस वर्ब्स की वर्ब की मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको आई एन जी डालना है प्रोग्रेसिव है क्योंकि हैड ही बीन रीडिंग अ बुक सेंस मॉर्निंग आपका सेंटेंस बन चुका है अब हम मूव करेंगे प्रजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव के तरफ अगर कोई भी टेंस है प्रजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस उसको अफर्मेटिव सेंटेंस उसका किस तरीके से बनाएंगे तो आइए हम देखते हैं सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस बीन प्लस वर्ब्स मेन वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म विद आई एन जी हैज़ और हैव को अप्लाई करने का सेम आपको तरीका देना है हैज़ विद सिंगुलर हैव विद हैल तो यहाँ पे क्या हो गया ही इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट तो ही हैज़ बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग वो आज सुबह से ही पढ़ रहा है ऑल राइट फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं बहुत बात करूँ आई हैव बीन गिविंग अ लेक्चर फ्रॉम लास्ट ट्वेंटी फाइव और ट्वेंटी मिनट्स ऑल राइट तो इस तरीके से आपको सेंटेंस फॉर्म आउट करना है और प्रेजेंट परफेक्ट अफर्मेटिव का सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव अफर्मेटिव ऑल राइट दैन वी आर मूविंग अहेड विद द प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव को अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आप किस तरीके से बनाएंगे सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा हैज़ और हैव प्लस नॉट क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है प्लस बीन प्लस वर्ब्स मेन वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म विद तो ही हैज नॉट बीन रीडिंग अंस मॉर्निंग बहुत सुबह से ही नहीं पढ़ रहा है प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव को इंटारगेटिव सेंटेंस किस तरीके से बनाएंगे सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है विच आर हैज और हैव सब्जेक्ट का यूज करना है उसके बाद में आपको बीन यूज करना है एंड मेन वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म अलॉन्ग विद आई एन जी तो देंटेंस वुड बी हैज़ ही बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग तो हो गया आपका प्रजेंट परफेक्ट कंटीन्यूस टेंस इन दीज थ्री काइंड ऑफ सेंटेंसेस अफर्मेटिव नेगेटिव एंड एंड टारगेटिव अब आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूस को इन्हीं तीन सेंटेंसेज uh, में किस तरीके से फॉर्म आउट करना है उसका तरीका भी हम जान लेते हैं ऐसे तो आपको ऑलमोस्ट पता ही चल चुका होगा पर फिर भी आगे बढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव अफर्मेटिव उसके लिए आपको सबसे पहले सब्जेक्ट पुट करना है एज़ यूजल क्योंकि कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस हम डालते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज़ करना इंपॉर्टेंट होता है सब्जेक्ट के बिना कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस बन नहीं सकता विच इज ऑल ऑब बीवियस सो सब्जेक्ट डालना है आपको विल शाल डालनी है विल शाल प्लस हैव क्योंकि ऑबियस है परफेक्ट uh, प्रोग्रेसिव है तो हैव का भी यूज़ होगा और बीन के साथ जो इन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी उसके साथ आईएनजी का भी यूज़ करना है तो ही विल हैव बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग वो uh, सुबह से ही पढ़ रहा होगा इस तरीके से फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव को नेगेटिव अगर कोई सेंटेंस बनाना है तो वॉट वॉट वुड बी द फॉर्मूला ऑफ दैट सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस का यूज करना है एंड विद मेन वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म यू हैव टू पुट आई एन जी तो देंटेंस वुड बी लाइक ही विल नॉट हैव बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग ऑल राइट दैन सो हेयर आर लास्ट टेंस एंड लास्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर बट नॉट लीस्ट सो फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव क्वेश्चन यहाँ पे हमें इसको किसी भी सेंटेंस को फॉर्म आउट करना है तो स्ट्रक्चर क्या होगा सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे एंड है क्योंकि उसके बाद में सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे फिर हैव का यूज़ करेंगे प्लस बीन का यूज़ करेंगे उसके बाद में मेन वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको आई एन जी डालना सो द सेंटेंस विल बी फॉर्म आउट हैज विल ही हैव बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग तो आपने यहाँ पे देखा एक ही सेंटेंस को हमने कितने तरीके से यहाँ पे बना दिया है इजीली ऑल राइट तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि टेंसेज तीन तरीके के होते हैं प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर उनके चार सेक्शंस होते हैं चार सबसेक्शन्स होते हैं तीन सेक्शन के चार सबसेक्शन्स होते हैं सिम्पल प्रोग्रेसिव परफेक्ट एंड परफेक्ट प्रोग्रेसि ठीक है और उन्हीं इन्हीं चीज़ों को आपको जो हम डेली लाइफ में तीन तरीके के जो सेंटेंसेस यूज़ करते हैं अफर्मेटिव नेगेटिव एंड इन तीनों में इन जो बारह तरीके बारह सबसेक्शन हैं ऑफ़ थ्री सेक्शंस ऑफ टेंसेस उनको किस तरीके से हमें अप्लाई करना है तो ये सारा तरीका मैंने यहाँ पे बता दिया एक ही सेंटेंस को बारह तरीके से आपको यहाँ पे फॉर्म आउट करके दिखा दिया है थर्टी सिक्स टाइप्स एक्चुअली एक सेंटेंस को छत्तीस बार छत्तीस टाइप में लिख के बता दिया है यहाँ पर फिर भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम है या कुछ क्वारीज हैं So, you can comment me below, and of course, do subscribe and press the bell icon to get the notification of our upcoming further uh, videos. And uh, do comment if you have any queries, any questions, or any ideas in your mind, and you would like to suggest me anything. So, thank you so much for watching this video. Thank you.